यस सर, चलिए थोड़ा सा गुलाम लॉ के बारे में अब वेक्टर अप्रोच से भी काम करते हैं और ये देखना चाहते हैं हम लोग कि दोबारा गुलाम लॉ ही है नेक्स्ट लेक्चर में भी, अभी कुछ फीचर्स हमारे उस पर बातचीत नहीं है दोबारा, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सम फीचर्स ऑफ गुलाम लॉ। गुलाम लॉ के क्या फीचर हो सकते हैं हम इस पे बात करते हैं थोड़ा सा। हमने एक दो फीचर्स पे बातचीत कर ली बच्चों, पॉइंट चार्जेस के बीच लगता है, मीडियम का फर्क पड़ता है, दो अगर चार्ज पार्टिकल है पॉइंट चार्ज है तो उनके बीच जो फोर्स लगेगा वो दोनों पर बराबर लगेगा और अपोजिट डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या दोनों रिपेल कर रहे हैं, मतलब आप समझो अगर सेम चार्जेस हैं तो रिपेल करेंगे, तो रिपेल में भी दोनों एक दूसरे पे बराबर धक्का लगाएंगे और अगर अट्रैक्ट कर रहे हैं तब भी दोनों एक दूसरे को बराबर फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं। दूसरी बात, ये सेंट्रल फोर्स होता है, कैसा फोर्स है सेंट्रल फोर्स, तो आप लोग सेंट्रल फोर्स समझिए दोनों को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग लगेगा, ऐसे तो सेंट्रल कहते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे हेड ऑन कोलिजन होता था मैकेनिक्स पढ़ाते हुए, कोलिजन तो और भी हो सकता है, ऑब्लिक भी हो सकता है, दोनों को जोड़ने वाले दोनों के सेंटर मार, ये देखिएगा यहाँ पर एक बॉडी है यहाँ पर है, चीजें समझना मैकेनिक्स के हिसाब से आसान है क्योंकि वो विजुअलाइज होती है। तो दोनों के सेंटर ऑफ मास को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग अगर हो रहा है, जबकि कई बार ऐसा भी हो सकता है बच्चों दो बॉल है ये इधर को मूव कर रही है ये इधर को मूव कर रही है तो यहाँ पर टच लाइन, जबकि दोनों के सेंटर ऑफ मास को जोड़ने वाली लाइन ये थी, तो क्या इसको सेंट्रल स्टेट कह सकते हैं नीचे वाले को? हाँ, दोनों के दो बॉल है, फुटबॉल मान लेते हैं हम ग्राउंड पे, दोनों के सेंटर ऑफ मास को जोड़ने वाली लाइन तो चल रही है वर्टिकल ऐसे ही, और दोनों बॉल आगे को बढ़ रही है टक्कर हो गई, क्या ये हेड ऑन कोलिजन है? नीचे वाला नो सर, हेड ऑन कोलिजन क्या होता है? दो बॉडी टक्कर हो जाए तो उस दौरान हमें उस दौरान का जो मोशन है उसमें देखिए दोनों के सेंटर ऑफ मास को जोड़ने वाली लाइन के अलाउंड ही मोशन हो रहा हो, तो नीचे वाले में सेंटर ऑफ मास को जोड़ने वाली लाइन के अलाउंड मोशन नहीं हो रहा हो तो सेंट्रल शब्द समझिएगा। तो मैं फिर कहना चाहूंगा कूलाम लॉ सेंट्रल फोर्स है, मतलब दोनों चार्जेज जहां जहां पर है उनको जोड़ने वाली लाइन के अलाउंड ही फोर्स लगेगा, ये तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में भी हुआ करता था, तो खैर मैकेनिक्स में ये सिचुएशन भी थी। तीसरी बात यह है बच्चों कि ये जो फोर्स की हम बात कर रहे हैं ये तब है जब दोनों चार्ज रेस्ट में, मोशन की बात नहीं कर रहे हम, अगर मूविंग चार्ज हो जाएंगे तो हमारी परेशानी ये होगी कि इलेक्ट्रिक के साथ साथ मैग्नेटिक भी स्टार्ट हो जाएगा, तो आप समझ ही रहे होंगे इसका मतलब, हम लोग दो या तीन चैप्टर के बाद मूविंग चार्जेस पर आएंगे, तब फिर हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों का कंबाइंड इफेक्ट समझेंगे। तो पहला फीचर लिखिएगा कूलाम लॉ होल्ड्स ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, पहला तो ये मैं बार बार कह भी रहा हूं, कूलाम्स लॉ होल्ड्स ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, केवल इन्हीं के लिए। दूसरा पॉइंट, अब मैं बार बार कूलाम लॉ नहीं लिखाऊंगा, इट से काम चलाऊंगा, इट इज बेस्ड ऑन
एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, ये बात भी मैंने कही थी कि आपको कैसे पता लगा कि एफ प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू है, तो ये सब एक्सपेरिमेंटल है, प्रयोग कर करके देखा गया कितना फोर्स है, तो ये केवल एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है बच्चों, आप थ्योरी से ऐसा डिराइव कर पाना बड़ा मुश्किल काम, प्रयोगों से देखा गया है। तीसरी बात यह कि चार्जर रेस्ट में होने चाहिए, लिखिए दिस लॉ इज एप्लीकेबल, दिस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर एप्लीकेबल फॉर चार्जेज इन रेस्ट। मैकेनिक्स तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड करती है, कई बार रेस्ट और मोशन तो रिलेटिव पोजीशन है, जो आपको एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रेस्ट में दिखता है दूसरे में मोशन में भी हो सकता है वैसे, लेकिन अब आप अभी चीजों को सरल बनाए रखिए तो आप समझ रहे होंगे रेस्ट का मतलब क्या है। दूसरे नेक्स्ट पॉइंट है, हम कह सकते हैं दोनों चार्ज एक दूसरे पर इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाते हैं, लेकिन बोथ द चार्जेज एग्जर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज, एग्जर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज ऑन इच अदर, ऑन इच अदर, एक दूसरे पर जितना फोर्स लगेगा, ऐसा नहीं है कि कम ज्यादा लगेगा, वो तो बराबर ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट, ये सेंट्रल फोर्स वाली बात भी कर लेते हैं, फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेज, फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेज इज अ सेंट्रल फोर्स, इज अ सेंट्रल फोर्स। अब आप लोग फिर गड़बड़ा जाएंगे कि सेंट्रल फोर्स क्या होता है, इट मीन्स ब्रैकेट में लिखा देता हूं, इट एक्ट्स अलोंग द लाइन, कौन सी लाइन, ज्वाइनिंग चार्जेज, ये हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं इसमें, कभी भी प्लीज ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर कभी तीन चार्जेज आ गए, ये ट्राइंगल जैसा बना दिया क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री, तो क्यू वन क्यू टू के बीच जो लगने वाला फोर्स है उसको क्यू थ्री से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेट फोर्स जितना होगा वो बाद में निकालेंगे, वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ाऊंगा। अभी मैं क्या कह रहा हूं, बहुत सारे चार्जेज भी रखे हैं कहीं पर, तो कोई दो चार्जेज के बीच लगने वाला फोर्स औरों की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होने वाला, और चार्जेस की वजह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, ओवरऑल नेट फोर्स निकालेंगे तो वेक्टर सम करेंगे उसको, वो अलग चीज है। तो ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, लिखिए प्लीज, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज The force between two charges is not changed by the presence of other charges. बाकी के उसके चार्जेस के होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये किस पे फर्क पड़ता है, फिर किन चीजों का फर्क पड़ता है इस पे, ये भी लिखना चाहिए हमें, ये भी बताना चाहिए, और चार्जेस की उपस्थिति से फर्क नहीं पड़ा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डिपेंड्स, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस depends
पार्टी दोनों चार्ज है और डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड, अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, उन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है इस पे डिपेंड करते हैं, उनके बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन देम और मीडियम एंड द मीडियम बिटवीन देम। तो उनके बीच का मीडियम क्या है, इन सब चीजों का फर्क पड़ता है बच्चों। उम्मीद है ये कूलाम के बारे में मिनिमम इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। तो नेक्स्ट लेक्चर में अब मैं वेक्टर लॉ में कूलाम लॉ कैसे पढ़ेंगे और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है वो समझना जरूरी है। उसके बाद आप फिर ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल वर्ड ऐसे रखे, चार पांच चार्ज रखे नेट आउटपुट निकालना सीखेंगे। तो आज इतना ही करते हैं इसमें, फिर हम लोग 6:05 पे जुड़ेंगे अब मैथ्स के लिए। थैंक यू। थैंक यू सर।